डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ बहन? मेरी बच्ची की आंखें पलट रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, देखिए इसे क्या हुआ है। नर्स, कोई फायदा नहीं, बहुत ही नाजुक हालत है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बहन, ले जाइए। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, काफी मन्नतों के बाद हमने इस बच्ची को पाया है। मैं आपके पैर पड़ जाऊंगा तो कुछ भी करके बचा लीजिए। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं तो क्या कोई भी डॉक्टर इसे बचा नहीं पाएगा, अब तो भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। जाएगी, मैं अब इस बच्चे को तेरे हवाले करती हूँ माँ। मेरी शादी हो जाने के बाद जब कई सालों तक मुझे कोई संतान पैदा नहीं हुई, तब रोज 12 किलोमीटर चलकर तुम्हारे सामने उपवास रखकर परिक्रमा करने के बाद ही इस बच्चे को तुमने मुझे दिया। हमारी कुलदेवी ने हमें वरदान दिया सोचकर हम खुश थे, लेकिन अब उसी वरदान से हम वंचित होते जा रहे हैं। हमें किस बात की सजा दे रही हो? तुम पे विश्वास किया इसलिए? अब मेरी इस भूल से बच्चे को जिंदा रखना है या इसके प्राण निकालने हैं, तुम्हारे हाथ में है। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना। ममता के कारण अगर मैंने कुछ बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर दे माते, मैं इस बच्ची का नाम तुम्हारे नाम से नागलक्ष्मी रखूंगी। चलती हूँ माते। ये नाग देवी सिर्फ हमारे गांव की ही नहीं, आजू बाजू के गांव की भी देवी है। देवी है या नहीं मैं नहीं जानता, मुझे ये मूर्ति चाहिए। काम हो जाएगा ना? काम मुश्किल है। मुश्किल है इसलिए तो कीमत ज्यादा है। मुझे डर लग रहा है। डरने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मेरा डर जो है वो वैसा डर नहीं है, दरअसल ये देवी की मूर्ति है ना। क्यों रे, इससे पहले तुमने कितनी सारी मूर्तियाँ चुराई है, लेकिन अब क्यों डर रहे हो? वो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम करोगे या नहीं, नहीं तो मैं किसी और से मंगा लूंगा। ठीक है, मैं लाता हूँ।
गांव में लड़के लड़कियों की शादी कराना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर शादी हो भी जाती है तो काफी दिनों तक वो बीमार रहते हैं। इतना ही नहीं स्वामी, इस गांव में चारों तरफ संकट लहरा रहा है। स्वामी जी, अगर हमारे गांव में इसी प्रकार से चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गांव की तो शांति छिन गई स्वामी जी। गांव में सब लोगों की हालत बहुत खराब है स्वामी जी। अब तो गांव में बहुत डर लगता है स्वामी जी। लगता है हमारे गांव को किसी ने श्राप दिया है। आखिर ये हमारे गांव के साथ क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। इस गांव में नाग देवी का आशीर्वाद नहीं है, इसीलिए गांव में अनर्थ हो रहा है। स्वामी जी, सर्व देवियों के स्वरूप हैं वो नाग देवी। गांव में यदि एक नाग देवी रहे तो वो सर्व देवियों के समान रहेंगी। इस गांव में नाग देवी की प्रतिष्ठा करेंगे तो समस्त दुख दूर हो जाएंगे। ये शुभ कार्य आप स्वयं ही करके हमारे गांव की रक्षा कीजिए स्वामी जी। ठीक है। गांव के बाहर पत्थरों की गुफाओं में एक नाग देवी की मूर्ति है। उस मूर्ति की विधि अनुसार पूजा अर्चना व अभिषेक करना होगा। फिर इस मूर्ति की इस गांव में प्रतिष्ठा करेंगे तो सर्व मंगलमय होगा। स्वामी जी, लेकिन ये कार्य तो... ये इतना सरल कार्य नहीं है, जानता हूँ। उस मूर्ति को हर कोई नहीं ला सकेगा। कोई ऐसी कुमारी कन्या जिसे नाग देवी ने आशीर्वाद दिया हो उसे लाना होगा। तब न किसी प्रकार का कोई दोष होगा न अवरोध होगा। ऐसी कन्या हमारे गाँव में कहाँ है स्वामी जी? बेटी, स्नान संपूर्ण हुआ। सब कुशल मंगल हो उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सच्चा मन, इस गांव के लिए जो करने जा रही है तुम परोपकार, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुखिया जी, सब कुशल मंगल होगा। जाओ बेटी। Thank you.
ओम ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवंत इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारायतां ध्रुवम्। ओम नागदेवता प्रतिष्ठा सुमुहूर्तः सुमुहूर्तोस्तु। रातों रात स्थापना करके नाग देवी के दर्शन हो गए, हमारे गांव की कृपा हो गई है, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। बेटी नागलक्ष्मी,
ये नाग देवी आज हमारे गांव में स्थापित हुई है, इसका कारण तुम ही हो बेटी। इसलिए सर्वप्रथम इस बांबी की तुम ही पूजा करो बेटी। हे माता नाग देवी, हम लोगों पर दया करने के लिए हमारे गांव में तुम आई हो। रोजाना हम तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि अब इस गांव की देवी तुम ही हो। अच्छा पहना। मैं अच्छा हूँ। तू तो सुबह ही आने वाला था, इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा। ओ, बड़ी भाभी छोटी भाभी आप दोनों कैसी हैं? हाँ, हम अच्छे हैं। क्यों रे आदित्य, सफर कैसा रहा? प्रणाम बड़े भैया। सिटी लाइफ कैसी रही? बहुत बढ़िया है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ हो गई भैया। वेरी गुड। थोड़ा काम है, अभी बाहर जा रहा हूँ, शाम को बैठकर बात करेंगे। ओके ठीक है भैया, मैं जाकर शाम को आ जाऊंगा। ठीक है आदित्य। बेटी कॉफी आई? कैसी हो? तुम्हारी दया से मैं अच्छी हूँ बेटी। अच्छा, नागलक्ष्मी हमारे गांव में नाग देवता की मूर्ति लेकर आई ना? यानी ये बात तुझ तक भी पहुँच गई? जब आ रहा था तो रास्ते में मेरे एक दोस्त ने बताया। यहाँ के लोगों को और कोई काम थोड़ी ना है, मट्टी के ढेर को टीका लगा के बोलते हैं कि देवी है, हमें विश्वास नहीं। वैसे विश्वास तो मुझे भी नहीं है भाभी, लेकिन ज्यादातर लोगों को विश्वास है, इसे भी नकार नहीं सकते। नागलक्ष्मी ने जो काम किया है उससे गाँव का भला होगा, ऐसा लोगों का कहना है। गाँव वाले की बात छोड़, तू जल्दी से नहा के आ जा, हम नाश्ता लगाते हैं। चलो। छोटी माले क्या? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ऐसी बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी कसम। और क्या खास बात है? सबसे खास बात ये है कि इस गांव में एक नाग लक्ष्मी है जिसने सीधे नाग लोक में जाकर। तुमने कैसे जाना? सब जान गया हूँ, तुमने ही जो कार्य किया। ऐसा वैसा कार्य नहीं, शुभ कार्य। हाँ ठीक है, जो भी कार्य हो, लेकिन लोगों के बीच में ये कार्य करके तुम इस गाँव की हीरोइन बन गई हो। आई लाइक यू। ये क्या, कोई देख लेगा? तो देखने दो। तुम तो ना। हे गोविंदा, हे गोपाला, गांव के मंदिरों पर नारियल बेचने वाले इस कनकराज को तूने अपनी दया से लखपति बना दिया। इस हाईटेक सिटी में करोड़पति भी बना दे। बिरला मंदिर के पास मैं तुम्हारा मंदिर भी बनवाऊंगा। आज एक बढ़िया सी पार्टी भेज दे, तुम जो रेट बताओगे उसी रेट में मुझे बेच पाऊं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। हेलो, हाँ मैं ही हूँ, कनकराज। बताओ क्या बात है? कौन? जोगीनाथ है। जापान से कब आया है? आज ही आया है। क्या जल्दी वापस जाने वाले हो? माल चाहिए? हाँ माल एकदम तैयार है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। क्या कहा, रात को आओगे? ये क्या कह रहे हो, रात को मत आना। आजकल शहर में रात की पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, दिन में आओगे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, समझ गए? आ जाओ। मेरे प्रार्थना करते ही तूने फौरन पार्टी भेज दी। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। क्यों रही चंदा? हाँ। मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया ना? हाँ आई है ना। सुबह सुबह नाश्ते में ब्रांडी लेने वाले दुनिया में सिर्फ आप ही हैं। मेरा जाम तैयार कर दिया। बेड कॉफी के बदले ब्रांडी पीने वालों को तूने आज तक नहीं देखा होगा, मैं डिफरेंट हूँ ना। किसी और के पास ना जाके मैं सिर्फ आपके पास रहती हूँ, ऐसा सीन देखने का इसीलिए मुझे मौका ही नहीं मिलता है। मेरे साथ में रहते हुए इस तरह जाम पे जाम बनाकर ये ब्रांडी और बिस्की क्यों पीते हैं? व्यापार में बहुत टेंशन हो जाता है, इसीलिए पीता हूँ। मेरे रहते हुए आप क्यों ऐसा टेंशन लेते हैं? मैं आपके सारे टेंशन दूर कर दूंगी, मुझसे शादी कर लो ना। तुझसे? क्यों, मुझ में क्या कमी है? सुबह के काम, दोपहर के काम, रात के सारे काम मैं ही तो करती रहती हूँ। जब आप यहाँ पे नहीं रहते हैं ना तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। सीमा में रह, लिमिट में, अपनी लिमिट में रह। मैं यहाँ पर आता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा हो गया। सुन,
आने वाला पुलिस वाला है, सीबीआई वाला है या पार्टी है, ध्यान से देखकर दरवाजा खोल। जा। हेलो जोगीनाथ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ भैया आ जाओ। कैसे हो जोगीनाथ, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? देखा तो किसी ने भी नहीं। आओ। क्यों, पसंद आ गई ना? बहुत मुश्किल से इसे उड़ा के लाए, बहुत ही पुरानी है। रेट क्या है? अरे कुछ नहीं, जस्ट 40 लाख। क्या 40? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तुम्हें तो डॉलर में इससे भी ज्यादा मिलता होगा। ठीक है, जैसी आपसे बात हुई थी ये लीजिए पैसे। बेटी कविता, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे ना, ये लो, इतने काफी है ना? हाँ, काफी पिताजी। सरिता, तुम्हें जो नेकलेस चाहिए था एकदम तैयार है। मैं तो सोच रही थी मुझे ये नहीं मिल पाएगा। थैंक्स पिताजी। कुछ भी कर करा के इस परिवार को अब तू ही चला रहा है कनकराज। तुम लोग मेरे लिए गैर थोड़ी हो, आखिर तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ। मेरी दोनों बेटियों को अपनी बहू बनाकर तुमने पलकों पर बिठा रखा है। अच्छा, शहर से जो आदित्य आया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कहाँ? हाय मामा जी। आओ आदित्य, तुम अकेले ऐसे हो जो इस घर में बहुत पढ़े लिखे हो। अच्छा, पढ़ाई के बाद क्या करने वाले हो? अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। बढ़िया आइडिया है, काम को फौरन अंजाम दे देना चाहिए, अभी वक्त अच्छा है, डॉलर का रेट गिरने से पहले कमा लेना चाहिए। आप हमेशा पैसों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? दरअसल इस संसार को चलाने वाला पैसा ही तो है। अच्छा, अमेरिका में मेरी जान पहचान का एक दोस्त रहता है, रुको उससे बात करता हूँ। हेलो बलवंत राज, मैं हूँ, हिंदुस्तान से कनकराज बोल रहा हूँ। सुनो, आदित्य को जानते हो ना, उसे अमेरिका में बहुत बढ़िया काम मिलना चाहिए, भेज रहा हूँ। पूरी मदद करना, समझ गए ना? थैंक यू। दीदी पहुँचाओ आदमी है। सुनो आदित्य, वीजा टिकट जॉब सबका इंतजाम वही कर देगा, ठीक है? उसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, मेरी बात नहीं टालता है। आदित्य, तुम्हें बहुत जल्द अमेरिका से बुलावा आएगा, देख लेना। थैंक यू मामा जी, थैंक यू वेरी मच। क्यों न लगे हाथ इसकी शादी भी करवा दे? उस बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है दीदी। क्यों, क्या हुआ? अगर मेरी कोई तीसरी लड़की होती तो उससे इसकी शादी करा के यहाँ की बहू बना देता। हाँ तूने सही कहा। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी जान पहचान का एक करोड़पति आदमी है, उसकी इकलौती लड़की है, वही बात चला लेते हैं। चला लेते हैं तो फौरन बात कीजिए ना। मामा जी जल्दबाजी मत करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बढ़िया रिश्ता है, बार बार नहीं मिलता। कनकराज तुम बात चलाओ। मामा जी जल्दी कीजिए। ये क्या, मेरी शादी कराने में क्यों तुले हुए सबके सब? तो इसमें क्या हो गया, मामा जी ने जहाँ बात चलाई अच्छी जगह है, वहीं शादी कर ले। हाँ भैया, ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा, तुम बात चलाओ, इसी महीने के पहले मुहूर्त में शादी कर देंगे। शुभम, मैं अभी जाके शादी तय करके आता हूँ। अमेरिका से कॉल है? नहीं, अफगानिस्तान से कॉल है। आदल का होगा। हेलो, क्या हुआ छोटे मालिक, कोई जरूरी बात करने के लिए मुझे बुलाया है? चलो मंदिर की परिक्रमा करते हुए बात करेंगे। ये क्या, अचानक देवी देवताओं पर श्रद्धा आ गई? देवता के ऊपर नहीं, इस देवी से मुझे प्रेम हो गया है। हाँ, प्रेम हो गया तो अब शादी करूँगा। शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं, बड़ों की मर्जी चाहिए, सही मुहूर्त निकालना होगा, मेहमानों को न्योता देना होता है और फिर। बड़ों की बातें छोड़ो, धूमधाम से शादी नहीं करनी है, ना ही किसी को बुलाना है, अभी का मुहूर्त है और अभी हम शादी करने वाले हैं, समझी नहीं ना? मगर तुम्हारे घर वाले? बताया नहीं, बताया तो मानेंगे नहीं। तब तो मैं भी नहीं मानूंगी। समझने की कोशिश करो, मेरे घर में मेरी शादी कहीं और कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं। हम ऐसा करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बिना बड़ों की मर्जी के शादी करना क्या ये अच्छी बात है? मानता हूँ ये गलत बात है, एक बार हम शादी कर लेंगे तो परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नागलक्ष्मी, इनके होते हुए तुम्हें किस बात का डर, पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटे तुमने जो कहा था मैं सब ले आया हूँ। यानी तैयारियाँ पहले से कर रखी है? 7 घंटे भी बजा चुका हूँ। वो कब? जब मैं तुमसे मिलने के लिए आया था तभी 7 घंटे बजा चुका हूँ। अब तुम कहो तो नाग देवी को प्रणाम कर लेते हैं। चलो दीर्घ सुमंगली भव, दीर्घ आयुष्मान भव।
शादी के लिए पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताते तो नहीं मानते, इसलिए बिना बताए शादी कर लिए। तो आप क्या समझते हो, हम सब लोग इस शादी के लिए मान जाएंगे? मैं चाहता हूँ कि आप मान जाएं। चुप हो जा, तेरी ये हरकत देखने से तो अच्छा था कि हम लोग मर जाते। इस समय मरने की बात क्यों करें भैया, आप बड़े हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ भैया दे दीजिए ना। तू चुप कर। और ये तूने क्या किया, एक नौकरानी की बेटी से शादी करके उसे घर ले आया? ऐसी बात नहीं है भैया, मेरी बात समझिए। तेरी बात में समझने के लिए अब क्या है, जब मामा जी रिश्ता लेकर आए थे तब तूने मना कर दिया, और अब इस भिखारन को हमारे घर की बहू बना के लेके आया है? हमारे घर में काम करने वाली की लड़की को हमारे घर में बहू बना कर ले आया, हमारा खानदान क्या है, इसका खानदान क्या है? इसके खानदान में तो देवी और देवता लोग रहते हैं ना, क्यों तेरी मन की चपुरी हो गई? इसके जरिए मेरी बेटी को फांसने का प्लान था ना तेरा? मैं इस बारे में नहीं जानती, अगर मैं जानती तो इसके हाथ पैर तोड़ के इसे घर में लिटा देती। जैसे कुछ भी नहीं जानती अब इस तरह का नाटक कर रही है। दरअसल दोनों के प्यार का नाटक करवाया तू नहीं, ऐसा लड़का ढूंढा जिसे दहेज की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि शादी का भी कोई खर्च नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, इसीलिए मेरे बेटे को फांसा है। देख लिया ना, आज तेरी वजह से क्या मान मर्यादा मिल रही है। आज तक मैंने कभी किसी को ऐसी बात बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आज तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तूने आज मुझे बेटे बनने का अच्छा सिला दिया है। अब क्या होगा, इस घर को तो मानो ग्रहण लग गया है। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। मैं भी नहीं रहूंगी। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ से क्यों जाओगी? इसकी चोटी पकड़कर इसे बाहर निकालूंगी। ये शादी मैं बिल्कुल नहीं मानती। तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ रे, मैं वाकई पागल हूँ। ऐसी बात मत करो आदित्य। मामा जी आप ही माँ को समझाइए ना। समझाने से क्या होगा, अब बात बिगड़ गई है। तुमने तो यहाँ सबको एक शॉक दे दिया। हाँ पहले तुम अंदर चलो। हाँ चलो। ये क्या मामा जी, आप भी उस शादी के लिए मान गए? हालात के हिसाब से चलना चाहिए, इसीलिए। ये क्या कनकराज, तू भी? ओहो इस वक्त बाजी उसके हाथ में है दीदी, अगर हमने कोई झगड़ा किया तो रोड के बाहर चला जाएगा। अभी हम सबको एक नाटक करना चाहिए कि उसकी शादी के लिए मान गए हैं। वो जिसे बहू बनाकर लाया है वही लक्ष्मी, उस पर जुल्म ढाकर वक्त आने पर बाहर निकाल देना, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कूल डाउन कूल डाउन, मैं हूँ ना। ऐसा होगा हम लोग पहले ही जानते थे, तो इसमें रोना क्यों? मुझे अपने आप से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी वजह से आपका अपमान हुआ है। उनकी जगह कोई और माँ होती और उनका बेटा बिना बताए शादी कर लेता तो वो भी यही करती, ये तो लाजमी है। उससे मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। तुम भी जो हुआ है उसे भूल जाओ, अब तुम मेरी पत्नी हो। हाँ आपकी पत्नी तो बन गई हूँ, लेकिन परंपरा अनुसार नहीं बनी। यानी मेरा कन्यादान भी नहीं हुआ, नहीं मेरे मायके में दामाद का कोई सम्मान हुआ है। बस यही सब सोच कर मेरा मन दुख रहा है। अब तुम ये सब भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी माँ मेरी सास हैं और मेरी माँ तुम्हारी सास हैं। समझ गई ना? माँ जी तू सुबह सुबह तू आ गई। एक तो मेरे करोड़पति रिश्ते को तूने मिट्टी में मिला दिया, ऊपर से सुबह सुबह आके अपना मनहूस चेहरा दिखा रही है। सुबह सुबह आके कॉफी देकर रात में सोने तक मेरी सेवा करके मेरे हाथ पैरों में मालिश करके मुझे मस्का लगाना चाह रही है। हा? मेरे सामने तेरी ये चाल बिल्कुल नहीं चलेगी। जैसे बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, वैसे ही बिना कन्यादान के शादी नहीं होती। मेरे बेटे को हथियाने के बाद ये मत समझ लेना कि घर भी हथिया लेगी तू, तेरी सेवा तो आज मैं करूँगी। देखो पिताजी देखो, जिस दिन से तुम मरे हो पिताजी, मैंने अपने खून को सांपों से डसवा कर जहर में बदल दिया। अब मुझे कोई भी सांप क्यों ना डस ले। मैं नहीं मरूंगा। नागलोक की नाग जाति की नागिन के डसने से तुम मरे हो, अब तुम्हें मारने वाली नागिन मेरी जाति दुश्मन है।
अभी तक तो नागिन इंतकाम लेती थी, लेकिन अब मैं उस नागिन से इंतकाम लूंगा। उस नागिन को खत्म करके तुम्हारी आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। को मारने वाली नागिन को मारने गया था, लेकिन भाग क्या आ गया। तू अगर कहे तो मैं उस सांप को यहाँ बुलाकर मसल कर रख दूँ। नहीं, उसे मैं ही मारूंगा। तो फिर बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करके अपनी क्षुद्र शक्तियाँ मुझे सिखा दो, तब मैं उस नागिन को वश में करके उसे मार के अपना इंतकाम लूंगा। ठीक है, आने वाली अमावस को आधी रात में तुझे मैं मंत्रोपदेश दूंगा। शुभम। लक्ष्मी, मैं एक बहुत जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। दोपहर खाने पर नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। ओके, चलता हूँ। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ मालकिन? क्यूरी, सुबह सुबह नाश्ता खाते नहीं जानती क्या? उसके लिए भी बोलना होगा, जल्दी परोस। मालकिन, आज नागपंचमी का दिन है, सिर्फ आज एक दिन नाश्ता होटल से मंगा लीजिए, क्योंकि हमने उपवास रखा हुआ है। सिर्फ आज एक दिन के लिए मान जाइए। ये फालतू की सारी बातें छोड़ के चुपचाप नाश्ता लगा। क्यूरी नई नवेली दुल्हन कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही होगी। सज धज के तो और कहीं जा रही है? मंदिर जा रही हूँ माँ जी। क्यूरी, तो इस तरह सज सवर कर अगर मंदिरों के चक्कर लगाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मंदिर से लौटने के बाद कर लूंगी। हाँ, तेरे आने तक बर्तन भांडे कपड़े लत्ते सब वैसे ही पड़े रहेंगे क्या? पहले वो काम निपटा फिर मंदिर जाओ। मालकिन जी, छोटी बहू को जाने दीजिए ना, वो सारे काम मैं कर दूंगी। दूसरे गांव से नाग देवी को लाकर इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। वहाँ पे गांव की सभी औरतें इनके आने का इंतजार कर रही होंगी, इसलिए जाने दीजिए ना। अगर तूने दोबारा मेरी बातों में टांग अड़ाई तो तेरे हलक में से जबान निकाल कर तुझे गूंगी बनाकर रख दूंगी, समझ ले। उसे आप कुछ मत कीजिए माँ जी, मैं मंदिर से लौटने के बाद सब कर लूंगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इतना समझाने पर भी तूने मंदिर की रट लगा रखी है। तेरा आज उपवास है ना, हम सब लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और तूने अपने दिल की बात इससे कहलवाई हाँ? और बाद में वहाँ के सारे भक्तों को लाके इस घर में लाके नाग देवी की बांबी भी रख देगी है ना? बोल ले, बोल ले। हाँ, उपवास रखेगी, उपवास। हाँ, आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर उपवास नहीं रख पाएगी। हाँ? नहीं माँ जी, नहीं चाहिए। कहाँ भाग रही है? अरे लेना खाना ही होगा, उपवास रखेगी तू। चुपचाप कीजिए, जाने दीजिए मालकिन, ऐसे मत कीजिए। मैंने समझाया था ना तुझे, मेरे बीच में कभी टांग मत अड़ाना, दफा हो जा तू यहाँ से। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा, तुझे नाग देवी आकर बचाती है या नहीं, मैं भी देख लेती हूँ। अरे मुंह खोल ना। लक्ष्मी बहन, तुम रो नहीं बहन, ये सबके से बहुत कमी है लोगे बहन,
ये हरकत दिल में मत रखना, जल्दी से मंदिर जाओ बहन, पूजा का समय बीत रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आज नाग देवी को दूध पिलाना था, मैंने मन पूर्वक उनके नाम से उपवास रखा था, लेकिन मेरा उपवास टूट गया, अब मैं क्या करूं? छोटी बहू, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं खाया बहन, ने जबरदस्ती खिलाया है, इसका पाप उन्हें ही लगेगा बहन, क्योंकि नाग देवी सब जानती है, वहाँ बांधी पे सब औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, तुम जल्दी जाओ बहन। नागलक्ष्मी इतनी देर क्यों हो गई? हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमने तो पूजा भी कर ली, बस ऐसे आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में जानती है, जरूर किसी काम से ही तुम अटक गई होगी। तुम्हारे बुलाने पे ही तो नाग देवी आती है ना, तुम पूजा करके नाग देवी से हम सबको आशीर्वाद प्राप्त करा दो। ठीक है, उठो बहन, चलो 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 बहन चलो। इस गांव पर अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए आ जाओ माते। माते, मेरी सास ने मुझे रोकना चाहा, उनकी इस भूल को क्षमा करके उन्हें भी आशीर्वाद देना माते। माते, मेरी जेठानियों को भी आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि वो भी सदा सुहागन रहे। कैसी हो, कुछ खाया है या नहीं, यही सोचती रहती थी। मैं तुमसे मिलने पर बहुत डर रही थी, मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गई माँ। अब मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, चार घरों में बर्तन मांझ के अपना गुजारा कर लूंगी, गांव में सब लोग नाग देवी की स्थापना की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा चलती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। दीदी, ये कुमकुम नाग देवी ने प्रसाद के रूप में दिया है, मैं आप दोनों के लिए भी प्रार्थना करके आई हूँ, सदा सुहागन रहने के लिए। क्यों, नहीं तो नहीं रहेंगी। जब से नाग देवी हमारे इस गांव में आई हैं, गांव में सब अच्छे कार्य हो रहे हैं, नाग देवी अपनी भक्तनों को केवल इस जन्म में ही नहीं, किसी भी जन्म में विधवा नहीं बनाएंगी। क्यों रही, तू कहना क्या चाहती है? मैं विधवा हूँ इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही है? माँ जी, ऐसी बात नहीं है। गरम गरम पूरियां हैं, देखो तो। हाँ। क्यूरी, तू क्यों लेकर आई, वो कहाँ है? कौन मालकिन? और कौन, वही नागदेवी की लाडली। सावित्री, तुम जाओ, मैं परोसती हूँ। सुन, आज से इस घर में जो काम तेरी माँ करती थी वही तू करना, क्यों, समझ गई? समझ गई माँ जी। ये खाना किसने बनाया? मैंने बनाया माँ जी। तो जाके मिर्ची का डब्बा लेके आ। क्यों, मिर्ची कम है माँ जी? पहले जो कहा वो करना। जरा ढक्कन खोल। क्योरी, हम तुझे इंसान दिख रहे हैं या फिर कोई जानवर दिख रहे हैं जो खाने में इतनी मिर्ची डाली हुई है? तुझे तो
अगर आज की बात खाने में ज्यादा मिर्ची पड़ी तो तेरी दोनों आंखें फोड़ के तुझे अंधी बना दूंगी। मिर्ची तो बराबर ही है, ज्यादा नहीं है, यानी मालकिन ने जानबूझ के ये सब किया है। लिमिट लिमिट। मैं शराब पीने के बाद भी अपने वचन से नहीं बदलता। मैंने तुझे होम सेक्रेटरी बनाया पता है क्यों? तेरे साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए, अपनी जायदाद सौंपने के लिए नहीं। लिमिट लिमिट। लगता है कोई आया है। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आया है। वो जोगीनाथ की कार है। मेरे कान सांप के और आंखें गिदगी। चल निकल ले, चल जा। कनकराज जी, कनकराज जी, आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। बगैर काम के तू थोड़ी आएगा, बता क्या बात है? श्रीपुर नाम का एक गांव है, आप जानते हैं ना? अरे वो मेरी दीदी का गांव है, ऊपर से मैंने अपनी दोनों बेटियों को वहीं ब्याह के दिया है। उस गांव में पुराने समय की एक नाग देवी की सोने की मूर्ति है, उस पर एक अमेरिकन की नजर पड़ गई है। अब वो उस मूर्ति को पाना चाहता है, उसके लिए मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। ये बात है तो उसे डॉलर्स का इंतजाम करने के लिए बोल दे, मैं फौरन उस गाँव में जाकर मूर्ति लाने का इंतजाम करता हूँ। क्यूरी क्या कर रही है? हाँ, एक घंटे से इसी जगह को रगड़ रही है। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? कहाँ से पूरी होगी, मखमल का बिस्तर जो मिला है पहले तक खाकर बस सोना ही चाहती है। इतना ही नहीं, डबल बेड के फोम बेड पे जो सोती है तो इतनी जल्दी नींद कैसे टूटेगी? तुझको कहाँ पर बिठा के रखना है मैं जानती हूँ। सुन रही, पैर पर पैर रख कर कभी सोफे पर मत बैठना और गंदे पैर लेकर बिस्तर पर चढ़ने की तो कभी मत सोचना। इस घर में तू वहीं रहना जहाँ तेरी माँ रहती थी। अब साफ कर। आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं ठीक से साफ कर तो रही हूँ। तो ये तू ठीक से साफ कर रही है? आहा। ठीक है, आप बता ये सब क्या है? जब आप जानबूझकर खराब कर रही हैं, तो अब इसमें मैं क्या बोलूँ? हाँ सही कहा, हमने जानबूझकर ही किया, तो अब तू क्या करेगी? हमने जानबूझ के थोड़ी किया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। प्याले हाथ से फिसल गई। तीनों की एक साथ चाय गिरी। मतलब हमने जानबूझ के क्या, ऐसे सोच रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। बीवी को काम करते देख तुझे अपनी माँ पे गुस्सा आ रहा है? माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही नजर आता है। तेरे लिए आज अपनी माँ से बढ़कर तेरी बीवी हो गई है ना? माँ, तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ भी रही हो? सब समझती हूँ, तेरे कहने का मतलब समझती हूँ। तू पढ़ लिख कर बड़ा हो गया है ना, तुझसे अपनी बीवी को काम करते हुए नहीं देखा जा रहा है ना? सुन, तेरे पति को अच्छा नहीं लगता, अगर ये मैं जानती तो ये सारे काम मैं खुद ही कर लेती। जा बहू, जा। माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लक्ष्मी दुखी है इसलिए नहीं कहा। जानबूझ के दुखी नहीं करना चाहिए, ताने मारो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के ताने मत मारिए। इस घर का काम करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन लक्ष्मी भी इस घर की एक बहू है, बस ये बात मत भूलिएगा। तुम आओ लक्ष्मी। देखा भैया क्या कह के जा रहा है? सब देख लिया दीदी। अब तू ही बता भैया, हमने तो सोचा था ये नौकरानी का काम करेगी, पर ये तो किसी काम की भी नहीं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो पिताजी। मुझे भी अपने साथ ले चलो पिताजी। तुम दोनों क्यों बाहर जाओगी, उसे ही बाहर निकालेंगे। पहले यही काम करो भैया, कम से कम बला तो टले। आदित्य के रहते हुए नहीं निकाल सकते। वैसे वो अमेरिका जाने की सोच रहा है ना, मैं वो इंतजाम करके आया हूँ। जब वो अमेरिका जाएगा और ये उसे छोड़ने एयरपोर्ट जाएगी, वहीं से भगा देंगे और फिर उसके बाद उस करोड़पति की बेटी से दोबारा आदित्य की शादी करा देंगे। कितना बढ़िया सोचा है, कितना बढ़िया सोचा है। सिंगापुर से कौन है? नहीं, जापान से कौन? हेलो,
सुनिए। क्या हुआ लक्ष्मी? मुझे भी अपने साथ अमेरिका ले जाओगे ना? तुम्हें इस वक्त साथ में ले जाना मुमकिन नहीं है। तुम अगर मेरे साथ यहाँ घर में नहीं रहोगे तो मुझे बहुत सताएंगे। चिंता मत करो, मैं अमेरिका जाकर सब इंतजाम करने के बाद वीजा लेकर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है ना? देखो लक्ष्मी, हमारे ऊपर घर वालों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है, वो लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू लक्ष्मी, अमेरिका जाती तुम्हें फोन करूंगा। छोटी बहू, तुम एक काम करो, जाके आराम करो बहन, ये सब छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। क्यों, किस लिए? आप बेकार में क्यों तकलीफ कर रही हैं? घर का काम करने में तकलीफ कैसे है? घर का काम करना तो अच्छी बात है। घर के काम के लिए और लोग भी तो रहते हैं ना। हाँ, तो उनके रहने से क्या होगा? ये बात नहीं है बहन, इस घर के सबके सब लोग जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके पाप उन्हीं के आगे आएंगे। आप तो नाग देवी की भक्ति है ना, अगर वो आपको दुख पहुँचाएंगे तो वो देखकर नाग देवी को क्रोध आएगा और उन्हें सबक सिखाकर आपकी रक्षा करेंगी ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस नाग देवी पर से हम लोगों का भी विश्वास उठ जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब तक मेरी जान में जान है, भले कुछ भी हो जाए, मेरा नाग देवी पे जो विश्वास है नहीं टूटेगा। अरे चल ना, वहाँ निकल, छोड़ दीजिए बाजी, निकल चल नहीं, अरे वहाँ निकल, मैं तुझे एक बिट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। नहीं बाजी, मेरे बेटे पे डोरे डालकर उसे फांस कर उससे शादी भी कर ली तूने, निकल यहाँ से। तू तुझे एक बिट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी और तुझे मैं निकाल के ही रहूंगी। निकल, चल निकल। मेरी नजरों से दूर हो जा, चल जा। इस आधी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? किसी कुएं में जाकर कूद मत। उनके ना रहते हुए मुझे इस तरह से निकाल रही हैं, क्या ये अच्छी बात है? उसके रहते निकालती तो अच्छा नहीं होता, इसलिए उसके जाने के बाद ही तो निकाला है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है माँ जी? इस घर में बहू बन के आना क्या तेरे लिए न्याय की बात है? हमारे खानदान से जुड़ना क्या तेरे लिए न्याय है? इतने दिनों तक उसके रहते हुए हमने तुझे सहा है, अब तू यहाँ से दफा हो जा। अगर अभी भी तू यहीं पर खड़ी रही तो मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दूंगी। भाग जा यहाँ से मनहूस कहीं की। ये क्या मामा जी, आप माँ जी को बोलिए ना। हाँ, बोलने के लिए मेरे पास क्या रखा है? हमने ही तो उसे अमेरिका भेजा है और अब तेरा नाम निशान मिटाना है। तुमने? हाँ। ए जा, यहाँ से बाहर निकल, हमारे सामने भी मत आना। जा, उसे अंदर बुला लो मामा जी। तू चुप कर, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? तुझे बाहर निकाल दिया ना, अब जाए यहाँ से। आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उनसे एक बार फोन पे बात करना चाहती हूँ, मेरी उनसे बात करा दीजिए ना। बात करके या जो कुछ हुआ सब बताना चाहती है? नहीं बताऊंगी। इसकी क्या गारंटी है? हमें खुद पर यकीन नहीं है तो तुझ पे कैसे यकीन करेंगे? क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा मामा जी। ऐसा नहीं है मामा जी, उनकी गैर हाजिरी में अगर चली गई, अगर नहीं जाओगी तो मर जाओगी। जा, जा, जा। तो मामा जी, नहीं मामा जी, जा, जा, जा। बैठो छोटे दामा जी। आज मैं दो काम से आया था, एक काम तो हो गया, अभी एक काम बाकी है। क्यों, क्या हुआ मामा जी? हमारा दारू के ऊपर, अय्याशी पर, जुए के ऊपर, रेस के ऊपर जो हमने खर्च किया है, इन सारे खर्च पर कर्जा कितना हुआ होगा? मामा जी क्या ब्रेन है तुम्हारा, अब जाम बनाइए ना। दरअसल हम तीनों ही ने तो मिलकर धूम मचा रखी है। अच्छा बताओ, हमारे जैसे 2-in-1 रजिस्टर वाला कॉम्बिनेशन इस दुनिया में किसी का होगा क्या? नहीं होगा।
खैर कोई बात है, बताना। अब क्या बताऊं, जहां तक मेरा ख्याल है शायद सही है। क्या सही है? ए, तुम बताओ, तुम्हारा नया घर, पुराना घर, खेत वगैरह, बगीचे वगैरह, गाय बकरिया, इन सब की मिलाकर कीमत क्या होगी, तुम बताओ मेरे छोटे दामाद। यही कुछ करोड़ों की होगी। ठीक है, 10 करोड़ की रख लो, समझ लो इसका आधा डूब गया। मामा जी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सारा कर्जा उतारने का रास्ता मैंने सोच लिया है। हमें एक अच्छा मौका मिला है, अगर हमने वो काम कर दिया तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो क्या है मामा जी? तुम्हारे गांव के मंदिर में एक नाग देवी की मूर्ति रखी हुई है ना? हाँ है। उसके ऊपर एक अमेरिका वाले की नजर पड़ गई है, अगर हमने वो मूर्ति उस आदमी को दे दी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाप रे, ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? अरे हमारा धंधा चोरी करने का ही तो है ना। मैं क्या जानू मामा जी, अगर मुझे मालूम होता तो बता नहीं देता। तू जान। मुझे भी नहीं पता मामा जी। ठीक है चलो। हाथ जोड़ने का मन कर रहा है ना मामा जी। एक काम कर, तू यहीं पे सेटल हो जा। चुप कर। आए हैं चोरी करने के लिए, तुझे भक्ति सोच रहे? अरे पहले से यहाँ से ले जाने की सोचो। हे, मदद कर। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। बड़े दामाद, तुम आओ, इसको उठाओ। पाप किया है, उन्हें कुछ मत कहना, वो मेरे परिवार से हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी माती, दया करके तुम चली जाओ माती। माती, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, तुम्हारी बांबे में दूध डालती हूँ, मेरी शादी भी तुम्हारी रजामंदी के साथ ही हुई है। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम प्राण लेने वाली नाग देवी बन जाओगी। तुम्हें गाँव में लाना अगर भूल है तो वो भूल मैंने की है। तुम सदा अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती हो, अगर अनजाने में किसी से पाप हो जाए तो उसे तुम बाद में मारना, पहले मुझे मार दो। 10 लो। मनुष्यों से तो सदा भूल होती आई है और देवता लोग क्षमा करते आए हैं, जो नास्तिक है उन्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, तुम्हारी मूर्ति वापस लेकर आऊंगी और उनको मैं तुम्हारा भक्त मनाऊंगी, मेरा विश्वास करो।
अरे जल्दी से स्टार्ट करना। मामा जी, वो लक्ष्मी जैसे लग रही है ना? हाँ, इसे तो घर से भगा दिया था, यहाँ कैसे पहुंच गई? तुझे घर से निकाल दिया इसलिए है, नाग देवी की पूजा करने आई है। उस मूर्ति को जहाँ से लेकर आए हो वहीं ले जाकर रख दो। नहीं ले गए तो मैं लेकर चली जाऊंगी। अच्छा, तुझमें इतनी हिम्मत है, जा लेके जा। तू कहाँ जा रही है? उस मूर्ति की चोरी करोगे तो हमारे परिवार का नाश होगा, साथ में गांव का भी। मुझे कुछ नहीं सुना है, तू जा यहाँ से। ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। तो क्या हमने ऐसे ही चोरी की है? नाग देवी की मूर्ति की चोरी करोगे तो हमारे परिवार को शाप लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों मामा जी? तुम नाग देवी का क्रोध नहीं जानते। कोई देवी है ना देवता, जा यहाँ से। मैं नहीं जाने दूंगी। हम लोग अच्छे इंसान नहीं है, तेरा खून करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चल भाग। भले मुझे मार डालो पर मैं ले जाने नहीं दूंगी। चल जा। अरे जाना। नागलक्ष्मी मेरी बात सुनो, ये दोनों अच्छे इंसान नहीं है, ये तुम्हें मार भी सकते हैं। प्लीज। मेहरबानी करके मेरी बात मान लो, उस मूर्ति को जहाँ से उठाए वहीं रख दो, नहीं तो, नहीं तो। मामा जी, लगता है ये तो मर गई। हाँ तो मरेगी कैसे, नहीं मैंने जो मारा है। ए, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। चल बंद कर दे। लक्ष्मी की मरने की बात और इस मूर्ति की चोरी की बात कल गांव में आग की तरह फैल जाएगी, इसलिए काम करना होगा, इस मूर्ति को फौरन शहर ले जाना होगा। तब तक ये मूर्ति यहीं रहने दो। ए, अंदर मूर्ति है इसलिए उसकी पूजा के लिए भक्तों को मत बुला लेना, वरना जान से मार डालूंगा। दरवाजा कौन पीट रहा है मामा जी? इस आधी रात में कौन होगा? पता नहीं कौन होगा। ए, तू जाके देख। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। अच्छा मामा जी, वो इसके बदले हमें पैसे डॉलर में देगा या रुपए में देगा? अरे किसी में भी देने दो। ये बात नहीं मामा जी, रुपए में अच्छा रहेगा। ठीक है, रुपए में ही मांगेंगे। मामा जी। ए, लगता है पागल हो गया, फिर से चिल्ला रहे। चल। तुरे, क्या हुआ? अरे हुआ क्या? क्या हुआ, इस तरह से काम क्यों रहा है बताना। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लगता है देवी माँ खुद लेकर आई है। चुप कर। चलो अंदर जाकर देखते हैं। हाँ, हाँ, चलो जल्दी चलो। ये तो यही है। हमारी मूर्ति तो यही है। तो फिर वो मूर्ति? ये तो आश्चर्य हो गया। तुझे तो कुत्ते भौंकने पर भी आश्चर्य होता है। हाँ। चलो चलो वहाँ जाकर। हाँ, चलो, चलो। इसे बंद करो। मूर्ति यहाँ से कहाँ चली गई? हाँ मामा जी, कहाँ गई? अभी अभी तो हमने देखी थी। हाँ, हमारी आंखों के सामने तो यही पड़ती, अब कहाँ गायब हो गई? कहीं ये हमारा वहन तो नहीं? नहीं नहीं, ये देवी माँ की लीला है। अबे चुप कर। अरे वो मूर्ति कबोर्ड में है ना? हाँ है। हाँ, तो ठीक है, चलो सो जाते। हाँ, ठीक है, चलो चलो बंद कर, बंद कर। ये मेरा घर है और मैं इसी घर में रहने वाली हूँ। रात को तो हमने तुझे मार मार के बाहर निकाला, तो फिर से आ गई? इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? मुझे कोई नहीं निकाल सकता,
इस बार निकालूंगी नहीं, जला के भस्म कर दूंगी। वो तुम्हारे बस का नहीं है। मुझसे जबान लड़ाती है? चिल्ला क्या हुआ? ये कॉफी आपके मुंह में है? वो कॉफी इसने। ओह, लक्ष्मी ने आपके मुंह पे कॉफी डाली है? मेरा मुंह जला दिया। मेरी सास के मुंह पे तूने कॉफी फेंकी? तुझे तो अरे सुबह सुबह चिलम चिले क्या हो रही है? क्यों, क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? देख लिया ना कनकराज, इसे तो हमने घर से निकाल दिया था ना, ये फिर से घर में क्यों आई इससे पूछो। इस घर में सबको सबक सिखाने के लिए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, धोखाबाजी की, बदमाशी की, औरतों की इज्जत लूटी और मर्डर भी किए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा जितना शक आज मुझे हुआ। लेकिन वहाँ की अब रेखा तो मर चुकी थी। तो क्या फिर से जिंदा हो गई? और नहीं तो क्या? जिस ढंग से मैंने मारा उसे मरना ही था। अगर वो बच भी जाती तो अपाहिज होकर पड़ी रहती, कभी वापस नहीं आती। यानी मामा जी, ये वो लक्ष्मी नहीं है? सीता और गीता की तरह कहीं डबल रोल तो नहीं है? चुप कर, अभी उसके बारे में सोचना बेकार की बात होगी। हाँ, पहले जहां उसे मारा था वहां चलते, फिर डिसाइड करते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है, लोग पुलिस यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। उसकी लाश तो यहीं पे पड़ी हुई थी। हाँ, वो लाश कहाँ चली गई? गायब हो गई मामा जी। तू नहीं समझ रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। रात उसे हमने यही मारा था ना, सुबह वो घर में आ गई, ये कैसे हो सकता है? ये तो आश्चर्य की बात है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तू कभी जिंदगी में समझा भी है? रात को हमने लक्ष्मी को इसी जगह मारा था, या कहीं और मार के यहाँ मारा सोच रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ मामा जी, रात को आपने लक्ष्मी को यही मारा। हाँ, यही पे खून भी गिरा था मामा जी। भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। गायब है यानी वो यहाँ से मंदिर भी चली गई? वो कैसे गई होगी मामा जी? सिटी बस में गई होगी। अबे उल्लू के बच्चे, हमने तो उसे कबोर्ड में ही रखा था ना। ताला मैंने खुद लगाया था। हाँ, चाबी भी मेरे पास ही थी। फिर वो मूर्ति उसे कौन ले गया होगा? कौन ले गया, समस्या ये नहीं है। लोहे की तिजोरियों से बड़े बड़े सामान गायब हो जाते हैं, तो लकड़ी का कबोर्ड क्या कर सकता है? अभी समस्या ये है कि उसे कौन ले गया। जब से आई है इसका चेहरा, इसकी आंखें, सब कुछ बदल सा गया है। पहले हमारे देखने पर वो डरती थी, अब उसे देखने पर हमें डर लगने लगा। यानी मामा जी, इस मूर्ति को वही ले गई होगी? चोर की आंखें पुलिस वालों का शक कभी धोखा नहीं खाते। मैं इन गुणों के साथ जन्मा हूँ, मुझे पूरा यकीन है यही उसे ले गई होगी। उस लक्ष्मी को आपने ही मारा था ना मामा जी, तो क्या उसके रूप में देवी आई? तू अपना मुंह बंद कर बे देव भक्त। कुछ भी करके मूर्ति हासिल करनी होगी। कितनी मुश्किल से हमने उसे निकाला और वो फिर से घर में आ गई हमें सबक सिखाने के लिए। अब पता नहीं और क्या होगा। हम कुछ भी करते हैं उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। देखा नहीं जिस तरह से माँ जी पर कॉफी डाली, लगता है वो कुछ मन बना कर आई है। एक तो माँ जी के मुँह पे उसने कॉफी फेंकी, ऊपर से कितने आराम से जवाब देके जा रही है। आखिर इस लक्ष्मी में जो इतनी हिम्मत आई है वो कहाँ से आई है?
और किसके पास से आई है? बाप रे, क्या उसे निकालने का अभी भी कोई तरीका बाकी है? वो हमारे सिर पर कैसे बैठ सकती है? माँ जी, चुप बैठना बेकार है, कुछ ना कुछ करना होगा। वो सब तो ठीक है, उसे घर से बाहर निकालने की सलाह देने वाला तुम्हारा बाप लक्ष्मी के वापस आने पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। वो तो अपने बिजनेस में बहुत बिजी हैं। उनकी बात छोड़िए, आप कुछ सोचिए ना। इस बार उसे घर से तो क्या, अगर उसे मैंने दुनिया से ही बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी लोकेश्वरी। नागलक्ष्मी बहन, बच्चे को बचा लो। नागलक्ष्मी बहन कहाँ है? जल्दी से बाहर बुलाइए। ए, वहीं रुको। क्या बात है जो जानवरों की तरह घुसे आ रहे हो? जल्दी से नागलक्ष्मी को बुलाइए। किस लिए? उस बच्चे को सांप ने काट लिया है। सांप ने काट लिया तो खून चुसवाने आई हो? बड़ी पूजा पाठ करके नाग देवी को गांव में बिठाया है ना, अब देख लिया। ऐसे काम के लिए माँ जी नहीं बुलाती हैं। सांप के काटने पर इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम लोगों के लिए बनाया है ना सरकार ने सरकारी अस्पताल, वहीं ले जाओ इसे। हम वहीं से तो आ रहे हैं मालकिन, इसका बचना मुश्किल है, हमें ले जाने के लिए बोल दिया। तो उसके लिए यहाँ क्यों लेके आई है? इसे सीधे शमशान ले जाना चाहिए था ना। ऐसा मत बोलिए मालकिन, आप लक्ष्मी बहन को बुलाइए ना, हो सकता है वो मेरे बच्चे में प्राण डाल दे। वो आकर क्या कर लेगी? सांप के कांटे को बचाने के लिए वो क्या कोई डॉक्टर है? प्राण लौटाने वाली क्या वो देवी है? अगर हमारे गांव में कुछ हो जाता है तो नाग देवी ही कृपा करती हैं। देवी की कृपा के लिए लक्ष्मी बहन को बाहर बुलाइए ना। जिन लोगों को कोई काम नहीं होता है वो लोग ही ऐसी मूर्तियों की स्थापना करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये देवी देवताओं ने किया है, उसके बाद बोलते हैं कि उनके भक्तों ने किया है। लोगों के दुख दर्द क्या देवी देवता दूर करते हैं? मुझे इन सब में जरा भी विश्वास नहीं है। भागो यहाँ से। ये तो नास्तिक है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। एक न एक दिन देवी माँ तुम्हारा घमंड तोड़ देंगी। ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है, पहले तुझे परलोक भेजूंगी तब भी सब ठीक होगा। मुझसे ऐसा मत बोलिए, तुम्हारे घर में काम करने कोई नहीं आता है सिवाय मेरे। आजकल इसके जवाब भी ज्यादा चलने लगी है, पहले इन्हें बाहर निकालो माँ जी। लक्ष्मी को जल्दी से बाहर आने के लिए बोलिए ना मालकिन। बच्चे की जान जा रही है और तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो? मालकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लक्ष्मी बहन को बुलाइए ना। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी, तुम सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। मैं आप में से बाहर आऊँ उससे पहले चली जाओ यहाँ से, जाओ। ये ऐसे नहीं बुलाएंगी, हम ही अंदर चलते हैं, चलो। रुक जाओ, अगर एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो पैर तोड़ के हाथ भी दे दूँ। बहन नागलक्ष्मी, इस बच्चे को बचा लीजिए। जो भी संकट में मुझे पुकारता है मैं दौड़ी चली आती हूँ। ओए होए, संकट में जो पुकारता है उसे बचाने के लिए आसमान से उतर के आई है ये देवी। अब ये नाटक बंद कर और अंदर जा।
रोकोगी नहीं? नहीं, नहीं रोकूंगी, तुम जाओ। ठीक है, जाती हूँ। क्या हुआ, तू इस तरह हंस क्यों रही है? अपना हंसना बंद करो, सब्जी डाल। क्या हुआ मालकिन, सब्जी में मिर्ची ज्यादा है क्या? नहीं, बहुत फीका है। हाँ, एकदम फीका है। आज खाने में मिर्ची डालना भूल गए क्या? तो फिर सब्जी में थोड़ी सी मिर्ची लाके डाल दूं? तो जल्दी से लाके डालना। इन जलते हुए अंगारों में सूखी मिर्ची डालकर खिड़की दरवाजे बंद करके इसके धुएं से उसको भगा देंगे। मामा जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं रे, बहुत मजा आएगा। हाँ? हाँ। जब देखो यही बोलता रहता है, मुंह बंद कर, चुप कर। ठीक है। अंदर से क्यों, यहीं से देख लेंगे। यहाँ से मत देखना, हल्का सा खोल के झांक के देखना। जा, 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 जा। मामा जी, मामा जी, क्या हुआ, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? Oh, my God.
अरे कनकराज, जब से लक्ष्मी इस घर में लौट के आई है तब से सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। हाँ पिताजी, अब तो लक्ष्मी को देखने से भी बहुत डर लग रहा है। मुझे तो इस घर में रहने से भी डर लग रहा है। लेकिन एक बात तो सच है, अभी जो हमारे घर में लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नहीं है। सही कहा, वो कोई और है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि वो जादू टोना सीख कर ही आई है, इसीलिए नागलोक से आने का वो ड्रामा कर रही है। दरअसल जब हमने उसे बाहर निकाला था ना, लगता है उसी आधी रात में जरूर किसी चुड़ैल ने उसे चपेट में ले लिया है। अब कुछ भी करके उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना होगा कनकराज, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ। दीदी, मेरी जान पहचान के एक मंत्रवादी है। हाँ। उसे लेकर आऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। वो मंत्रवादी कौन है? नाम है भैरव। ओम ह्रीम 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 महाकाली। किला किला पट स्वाहा। कनकराज, यहाँ क्यों आया? मुझे तुमसे एक काम है। जैसे आया वैसे ही बाहर चला जा। ऐसा मत बोलो भैरव। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता तब तक कोई काम नहीं। तुम पर विश्वास करके तो मैं इन्हें लाया हूँ। जब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलती किसी से नहीं मिलूंगा। तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता भैरव, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुनूंगा। जब तक मैं अपनी मंत्र विद्या से अपना इंतकाम नहीं ले लेता तब तक किसी से मिलना तो दूर, किसी से बात भी नहीं करूंगा। तुम अपनी ही बात बोलते रहोगे या मेरी बात भी सुनोगे भैरव? एक नाग भक्तन हमारी जान के पीछे है। तुमने क्या कहा? नाग भक्तन तुम्हारी जान के पीछे है? हाँ। मेरे इंतकाम के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करके उस नागिन को खोजूंगा जो कहीं जाके छुपी बैठी है। उस भक्तिन के जरिए मुझे उसका पता चल सकता है। हाँ कनकराज, विस्तार से समझाओ। विस्तार से समझने के लिए जब तुम मेरे घर चलोगे तो खुद समझ जाओगे। तो ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। ओम रीम। क्यों रे बेटे, अमेरिका में सब बढ़िया है ना? एकदम हैप्पी लाइफ। अच्छा आदित्य, अमेरिका से हमारे लिए क्या लाए हो? बहुत कुछ लाया हूँ भाभी, बस कार्गो में पहुँचता ही होगा। मामा जी, लगता है मंत्रवादी से काम बन जाए। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें किसी जोगर के पास लेकर गया था? माँ, मैं तुम्हें भी अमेरिका ले जाऊंगा। ये अमेरिका से कब आ गए हमें जान से मारने के लिए? हाँ मामा जी, हमारा प्लान इसने जान लिया तो सब बेकार हो जाएगा। हमारा प्लान कामयाब होने तक इसके साथ नाटक करता रहूंगा? तू बीच में कुछ मत बोलना, खास कर तू। आदित्य, तुम कब आए? अभी आया मामा जी। आने से पहले हमें फोन कर दिया होता, लेने आ जाते। हाँ तो लेने आ जाते ना, सरप्राइज देने के लिए। वैसे मैंने फोन किया था, लाइन नहीं मिले, क्या करता मामा जी? छोटा सा गांव है ना, तू मेरे सिल पे कर दिया होता। ओ, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, तुम्हारा जॉब जेब सब सेटिस्फेक्शन है ना? हाँ, फुल सेटिस्फेक्शन, उसके लिए आपको थैंक्स करना है। इन्हें थैंक्स बोलने के लिए कोई गैर थोड़ी ना। वैसे भी बेटे, ये तेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। लो कॉफी पी लो। बहुत थक गए होंगे ना? माँ जी, आपके लिए भी कॉफी लेकर आऊं? नहीं। क्या हुआ माँ, इस तरह की चौंक रही है? कुछ नहीं, लगता है सोफा लगता में है, खटमल है। खटमल है, खटमल है। आप कब आए? ये तो बहुत पहले आ गए थे, खास काम से। कौन सा काम? तुम्हारे अमेरिका चले जाने के बाद यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम पूरा हो गया है। लक्ष्मी, बहुत टाइम लगा दिया, आजा आजा।
ये क्या, मैं कोई पराया हूँ जो मुझसे अलग जा रही हो? कुछ दिनों के लिए तुम पराए ही रहोगे। वो कैसे? क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते दूरी बनाई रखनी होगी। भक्ति से शादी करने पर ऐसा ही होता है, दीक्षा उपवास व्रत कुछ न कुछ लगा ही रहता है। इतनी दूर से आने पर भी मेरी हालत ऐसी हो गई। लक्ष्मी आओ भैरव आओ। दीदी मैंने मंत्रवादी के बारे में बताया था ना, यही है। स्वामी हमारे घर पे बहुत उल्टा सीधा हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है अब तुम्हें देखकर हमें उससे मुक्ति दिला दो। कौन था ये आदमी, यहाँ क्यों आया था? जब तू अमेरिका गया हुआ था तो यहाँ पर बहुत अनर्थ हो रहा था, हमें ऐसा लग रहा है कि इस घर में किसी भूत का साया आ गया है। वही शक दूर करने के लिए इस मंत्रवादी को बुलाया था। आज के युग में ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए, आप लोग पागल हैं क्या? मानव शास्त्र के अनुसार कोई भी भूत प्रेत इस दुनिया में नहीं है, ये बात जान लीजिए। आइंदा ऐसे लोगों को कभी भी इस घर में बुला के मत लाना। लीजिए थोड़ा और लीजिए ना। बड़े दामाजी छोटे दामाजी कहाँ है? आप तो जानते हैं ना मामा जी, हमेशा खाने के टाइम पर वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गया है। बाप रे, सारा खाना एकदम फीका है, कैसे खा रहे हो तुम लोग, मिर्ची नहीं है। थोड़ी मिर्च ले आऊं? ये क्या, मिर्ची का नाम लेते ही आप लोग चिल्ला रहे हैं? वो हमारे मुंह में मछली चली पड़ी है। ओम दक्षिणा काली, ओम महाकाली, ओम शमशान काली। भैरव भैरव ये क्या है, तुझे उसे भगाने के लिए घर बुलाया था और तू है कि वहाँ से तुम दबा के भाग कर आ गया? भाग कर नहीं आया, आनंदित होकर आया हूँ। किस लिए? जो नागिन मेरे पिताजी को डस के कहीं जाकर छुप कर बैठ गई थी उसे वहाँ देखा। जाने जाने तुम्हारे घर में जो है वो नाग भक्तिन नहीं है। फिर कौन है? नाग भक्तिन का रूप लेकर आने वाली नागिन है। भैरवनाथ अब तुमसे छुपाना बेकार है, दरअसल हुआ ये था कि अब समझ गया, उस मूर्ति की रक्षा वो नागिन कर रही थी, जो भी वहां चोरी करने जाता उसे डस्ट लेती थी, मेरे पिताजी को भी उसी ने मारा है और अब तुम लोग हो। तुम लोग डरो मत, उस नागिन को मैं संभाल लूंगा, उसे अपने वश में करके काली माता पर बलि चढ़ाऊंगा और मेरा इंतकाम पूरा होगा, उसके बाद तुम्हें वो मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना है? उस नागिन को पकड़ने के लिए कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तब उसके सिवाय घर में कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल मेरे दोस्त के घर में शादी है, हम वहाँ जाएंगे और अगले दिन आएंगे। हाँ तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने अपनी सर्वशक्ति से इस बीन को प्राप्त किया है, अब तुम्हारे मंत्रों से मैं उस नागिन को वश में करूंगा। मामा जी वो भैरव क्या वाकई मंत्रवादी है?
क्यों, तुझे किस बात का शक है? बस ऐसे ही मामा जी, उसके कपड़े देखे और गले में मालाएं, ये सब देखने से तो लगता है जैसे वो मंत्रवादी नहीं कोई बड़ा जादूगर हो। क्यों रे, तेरी आंखों को मैं कैसा दिखता हूँ? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। तू अपना मुंह बंद करेगा कि नहीं? यानी जोकर कौन है, मंत्रवादी कौन है, उन्हें ना पहचानने वाला दिखाई दे रहा हूँ। और नहीं तो क्या मामा जी, हमारे घर की लक्ष्मी सांप कैसे बन सकती है, या सांप कैसे लक्ष्मी बन सकता है, बताओ ना। तू अपना मुंह बंद कर उल्लू के पट्टे, तू सबसे बड़ा ज्ञानी है, तुझे पता है कि बंदर आदमी कैसे बना, अंडे में से मुर्गी कैसे पैदा हुई? ए, ए, दरअसल हमें चाहिए वो मूर्ति रे। कुछ भी हो मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा जी इसका मुंह बंद कराओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या मामा जी, ये इस समय आ रहा है? जोगीनाथ आओ भैया बैठो। मुझे देख के आपको बहुत खुशी हो रही है ना? अरे ये कोई पूछने की बात है, मैं भले ही अपने लाइफ पार्टनर को भूल जाऊं, लेकिन तेरे जैसे बिजनेस पार्टनर को कभी नहीं भूलूंगा। वो तो ठीक है, मगर मूर्ति का क्या हुआ? आ जाएगी, चिंता मत करो। ये क्या, तुमसे वो काम नहीं हो पाया? तुम तो सीरियस हो गए, चलो एक एक जाम हो जाए। कोई जरूरत नहीं, तुम शराब की लालच दोगे मैं जानता हूँ, मुझे मूर्ति के बारे में बताओ, वरना वो अमेरिका वाला मुझे जान से मार डालेगा। अरे कुछ भी मांगने पर दे देने के लिए क्या जेब में रखा पेन है, मंदिर की मूर्ति है। वो सब मैं नहीं जानता हूँ, या तो तुम मुझे वो मूर्ति दो, या जो तुमने एडवांस लिया वापस करो। आप क्या करेंगे? तेरे पास है तो दे दे। तू क्या रिजर्व बैंक का मैनेजर है? चुप कर। तू अगर कटोरा लेकर बाजार में भीख मांगेगा तो भी कोई नहीं देगा। अरे तेरे बदन में घास फूस भर के तुझे भी मूर्ति बना के अमेरिका भेज दूंगा। एक काम करो मामा जी, इसे ठीक से समझा दो। सुनो जोगीनाथ, तुमने जो एडवांस दिया था सारा खर्च हो गया, इस वक्त हमारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। चिंता मत कर, तुझे और सबर कर ले, वो मूर्ति तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, जो करना है करो, मेरा काम जल्दी निपटाओ, चलता हूं। और सुनो, रात हो गई है, सारे ठेके बंद हो गए होंगे, ये बोतल ले जाओ। तुम्हारे इस काम में कोई कमी नहीं, थोड़ा डालते जाओ। अबे तू अपना मुंह बंद कर उल्लू के पट्टे। उसके टेंशन में तेरे टेंशन में दिमाग खराब हो गया, सारा का सारा नशा उतर गया। ए, अंदर एक और फुल बॉटल रखे, जाके ले आ। ठीक है मामा जी, वो पूरी बोतल ले गया, मुझे दूसरी लाने के लिए बोल रहे हैं। मामा जी मुझे सब डूबता हुआ लग रहा है, मूर्ति भी हाथ से गई, बेकार में लक्ष्मी को मारा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कजरा रे तेरे कारे। ओफो, एक आखिरी बोतल बची थी वो भी तोड़ दी। भैया सांप सांप चिल्ला रहे थे तो मैं क्या करता मामा जी? ऐसा नहीं है मामा जी, मुझे वो बोतल सांप जैसी लगी। हाँ, दरअसल मैंने तुम दोनों को अपना दामाद बनाया, मुझे चप्पल से मारना चाहिए। ये बात है। हाँ ठीक कहा।
भैरव, बेकार में मेरे रास्ते में मत आ, तेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तेरे प्राण लेकर ही दम लूंगा। तो जो तेरे बाप के साथ हुआ तेरे साथ भी वही होगा। मुझे मारने की शक्ति तुझ में नहीं है, तेरे तो दांत में केवल विष है, मेरे पूरे शरीर में विष है। अगर मैं चाहूँ तो तेरे इस विषैले शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगी। मुझे भस्म तो क्या, मेरी कन उंगली को भी छूने की शक्ति तुझ में नहीं है, लेकिन मेरे पास तुझे वश में करने की मंत्र शक्ति है। तेरा मंत्र और तंत्र मेरे सामने नहीं टिकेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। भैरव, हमारे नागलोक को यदि तूने अनावश्यक हानि पहुँचाई तो तू ऐसी मौत मरेगा तेरे साथ पीढ़ी याद रखेगी। दोबारा मेरे रास्ते में भूल से भी मत आना, होशियार करूंगी। अभी तक हमारे भैरव ने लक्ष्मी को मार दिया होगा। आज तो उसका काम तमाम हो गया होगा मामा जी। अंदर काम हो गया होगा ना, ये जानने के लिए एक ज्योतिष के पास चलते हैं, वो बता देगा। फिर भी मामा जी, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हुआ दीदी? खटखटा रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। शादी धूमधाम से हुई ना? यहाँ तुमने जिसे भेजा था उसका भी स्वागत धूमधाम से हुआ। गुरु, 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 क्यों क्या हुआ? तुम्हारा शिष्य बनने से तो अच्छा है कहीं जाकर चूल्हे पर पानी में डूब मरूं। बात बताओ क्या हुआ? तुम्हारे सिखाए हुए मंत्रों से कोई काम नहीं बना। क्या? मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से नागबीन को प्राप्त किया। मैं उस नागिन को उससे वश में करने के लिए गया, लेकिन उसने मुझे चेतावनी देकर भेजा है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं ये अपमान सहन नहीं करूंगा। अगर मैं उस नागिन को जान से नहीं मार पाया तो मेरा जीना बेकार है। तक मैं उसे कामरूपिणी साधारण नागिन समझता था, लेकिन वो दिव्य शक्ति प्राप्त नागिन है। उसके सामने हमारे मंत्र, हमारी दीन सब बेकार है। यानी मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा? प्रतिदिन सूर्योदय के समय उस नागिन का सर्वनाश करने के लिए यज्ञ करो। यज्ञ करूं? हाँ, यज्ञ। आने वाली महाशिवरात्रि के दिन नाग और शिव की भक्ति से पूजा करके तन्मय यज्ञ करना होगा। वो यज्ञ उसके वशीकरण का होना चाहिए। जब वो तुम्हारे वश में आ जाए तब उसी अग्निकुंड में उसकी बलि चढ़ाओ। वाह वाह गुरु वाह। लेकिन एक बात तुम याद रखना, भले ही तुम्हारे इस पूरे शरीर में विष फैल जाए, लेकिन तुम्हारे प्राण का रहस्य तुम्हारी आंखों में ही छिपा है। आंखें संभाल कर। ये सब क्या है?
सारे गांव में उत्सव मना रहे हैं और तुम वो के घर में ही बैठे हुए हो। सारे गांव में उत्सव क्यों, किस लिए? आपको नहीं पता, हमारे गांव में नाग देवी विराजमान हुई है ना, इसलिए आज उनका धूमधाम से अभिषेक हो रहा है। आप भी एक बार जाके देवी के दर्शन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम दक्षिणारहुणी महिम गातम यज्ञाया गातम यज्ञवतये दैवे स्वस्तिरस्तु महं स्वस्तिर्मानो सेव्यः गोर्भन्धगासवेशजम् सन्नास्तद्रपते पूजा नहीं की, हमारी आंखें खोलने के लिए तुमने स्वयं इस घर में आके हमें दर्शन देके धन्य कर दिया। माते माता माता नाग देवी, माते माते नाग देवी, हमारे पापों को क्षमा कर देना, अब से कोई पाप नहीं होगा, हम पर दया करो, हम तुझे मन से मानते हैं। माते आज से हम भी तुम्हारी भक्ति बन गए नाग माते, रोजाना हम तुम्हारी बिना भूले पूजा करेंगे, नाग पंचमी के दिन दूध भी चढ़ाएंगे। ठीक है, प्रसाद लीजिए। प्रसाद लीजिए ना। ये क्या है दीदी? प्रसाद है भैया, नाग देवी हमारे घर में स्वयं लक्ष्मी का रूप लेकर आई हैं। हम तीनों ने उसे अपनी आँखों से देखा है, मैं सच कह रही हूँ, लक्ष्मी देवी की भक्तन है। ये सब एक नाटक है, मुझे विश्वास नहीं। अगर हमने अपनी आँखों से नहीं देखा होता तो हमें भी विश्वास नहीं होता भैया। ये देवी देवता एक तरह का वहम है, मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी भगवान की मूर्तियाँ चुराई, मुझे कुछ हुआ क्या? आज तक किसी भी भगवान ने अपने भक्तों के लिए किया क्या है? लक्ष्मी को हमने कितने दुख पहुंचाए, क्या नाग देवी ने आके उसकी रक्षा की? आधी रात में हमने लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया, तब भी क्या वो आई? लेकिन वो, अरे कुछ नहीं है ये लेकिन वेकिन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चौंकना नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे जो कर्ज है उसके लिए, जब हम मंदिर से नाग देवी की मूर्ति चुरा कर ला रहे थे तो लक्ष्मी ने देख लिया, हमें रोकना चाहा तो मैंने इन्हीं हाथों से उसे मार डाला। लक्ष्मी को तुमने मार दिया, तो अब जो लक्ष्मी के रूप में है वो नागिन है जो हमसे बदला लेने के लिए लक्ष्मी के रूप में आई है। जैसा हमने लक्ष्मी को मारा उसे भी मार देंगे। मामा जी, ये तुमने क्या किया? मेरी लक्ष्मी को मार दिया, जिसे मैंने पलकों पर बिठाया उस लक्ष्मी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदित्य, उल्लू कहीं गए, चल इसके उठने से पहले लक्ष्मी को मार देते हैं, चलो। ए, ए, जल्दी चल, चल। बेटे, आदित्य बेटे, आदित्य आंखें खोलो आदित्य। मेरी दीदी एकदम बदल गई, अब वो नाग देवी की भक्तिन हो गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्लान कामयाब होना चाहिए भैरव। उसके लिए मैंने मुहूर्त निकाल लिया है। कब का? शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन? हाँ, ये शिवरात्रि उस नागिन की अंतिम रात्रि होगी, उसके लिए तुम्हारे ही घर में यज्ञ करना होगा। शंकर चंद्रशेखरा नमो देव देवा, दीन बांधवा भक्त वत्सला महादेव देवा, नीलकंठ
शिखरा नित्य सुंदरा दिव्य सप्त भूषा नंदी वाहना भाल लोचना कैलाश वासा शंकर चंद्रशेखरा नमो देव देवा दीन बांधवा भक्त वत्सला महादेव देवा हो रहा है भोले शंकर अत्याचारी के शीश का तू आके वध कर मंगल गौरी का सुहाग है शिव तू महेश्वरा खोल के अपनी दिव्य आंख मुझको देख ले जरा छोड़ के तेरी शरण और कहां जाऊं मुझ पे क्या बीत रही कैसे बताऊं रक्षक है तू ही मेरा तू ही रखवाला अपने भक्तों की मेरा को हरने वाला पापियों का तो कर विनाश मुझको बचा ले भोले शंकर शंकर चंद्रशेखरा नमो देव देवा दीन बांधवा भक्त वत्सला महादेव देवा चलाने वाला है नटराजा शिवलिंगेश्वर कहलाने वाला अब तू आ जा कलयुग के हर पाप को हर ले श्री शैलेश्वरा मेरी हालत देख दया कर दे हे शंकरा हे आज शिवरात्रि आना पड़ेगा इस जग में शंकर चंद्रशेखरा नमो देव देवा दीन बांधवा भक्त वत्सला महादेव देवा नीलकंठरा नित्य सुंदरा दिव्य सप्त भूषा नंदी वाहना भाल लोचना कैलाश वासा नटराजा पूरी कर दे तू मेरी आशा विनती तू मेरी सुन ले जगदीशा शंभु शंकर चंद्रशेखरा नमो देव देवा दीन बांधवा भक्त वत्सला महादेव देवा ओम ह्रीम क्लीम तुम हूँ फट फट
नाग देवी आज तो बच के नहीं जा सकती, तेरी इसी अग्नि में आहुति दूंगी। भैरव, आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। सच्चे भक्तों की रक्षा करती आई हूँ। जब लक्ष्मी मृत्यु से जूझ रही थी उस समय मैंने उसकी रक्षा की। तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हारी लक्ष्मी का रूप लेकर इस घर में प्रवेश किया। मेरे आने का कार्य सफल हो गया। मैं तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हें समर्पित करती हूँ। शुभम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।